चलिए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर वरुण गोयल हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में। वरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। लोग करेक्शन के इंतजार में थे कि GST बिल पास होने के बाद तो ट्रिगर बचेंगे नहीं, लेकिन बाजार में इतना दमखम है, गिरने का नाम नहीं ले रहा है। क्या लग रहा है सर, यही मोमेंटम बरकरार रहेगा, तेजी के व्यू के साथ ही बाजार में रहना चाहिए? सर नमस्कार, हमारा ऐसा मानना है कि इंडिया में 3 साल बहुत ही कम अर्निंग्स ग्रोथ के बाद ये साल एक क्रिटिकल ईयर है और हमें इस साल 10-15% अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो चाहे वो अच्छा मॉनसून हो, चाहे वो पे कमीशन रिकमेंडेशंस हो, इन सब की वजह से रूरल और अर्बन कंजम्पशन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल क्यूज भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो हमारा ये मानना है कि आगे जाके अर्निंग्स ग्रोथ भी सपोर्टिव रहेगा, लिक्विडिटी एनवायरनमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो मार्केट में 2-3 साल का व्यू लेके काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। वरुण, और कौन से सेक्टर्स आपको सबसे अच्छा लग रहे हैं यहाँ से जो और तेजी में पार्टिसिपेट करें? देखिए काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रह सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल एक स्पेस है, चाहे जो कंपनीज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन ये लोग ये सब चीज़ें बना रहे हैं, डेफिनेटली उनकी सेल्स में प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा इस साल। एग्रोकेमिकल्स कंपनी हैं, उनको काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि मानसून काफ़ी अच्छा रहा है और खासकर पिछले 2 मानसून अच्छे नहीं रहे थे, तो उनका भी अर्निंग ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑटो एंसिलरी स्पेस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि 4-व्हीलर और 2-व्हीलर दोनों में आगे जाके हमें ऐसा लग रहा है कि अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आएगा और एंसिलरी कंपनीज को डेफिनेटली उससे काफ़ी फायदा होगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अगेन एक और सेक्टर है जिसमें हमें लगता है कि लगातार बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को है। हालांकि इकोनॉमी में ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ म्यूटेड है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस स्पेस में 20-25% अर्निंग ग्रोथ डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके, तो ये है राय इस वक्त, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां पसंद है, अच्छी तेजी तो हुई है। लेकिन एक चीज़ बताएं सर कि जिस तरह से नंबर्स आए हैं अब तक रिजल्ट सीजन, आप कैसे देख रहे हैं, क्या रिजल्ट सीजन ठीक ठाक है और जो मार्केट के वैल्यूशन से इन लेवल्स पर फिर रिजल्ट्स के हिसाब से कंपनियों के हिसाब से वो आपको ठीक लगते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए अभी तक जो नंबर आए हैं वो मोर और लेस मैं उसको बोलूँगा कि इनलाइन है एक्सपेक्टेशंस से, और आगे जाके जैसे जैसे अर्बन और रूरल डिमांड और मजबूत होगा तो हमें नंबर्स और स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। तो हमारा ये मानना है कि 3rd और 4th quarter में नंबर्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। और आप देखिए दिवाली आते आते मार्केट FY18 की अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस करने लगेगा, तो और FY18 में हमें ऐसा अनुमान है कि इवन इन्वेस्टमेंट साइकिल भी कंट्रीब्यूशन देने लगेगी मार्केट में। तो आप 15-20% का अर्निंग ग्रोथ अगर FY18 का लेते हैं और 15% करीब FY17 का लेते हैं तो उस हिसाब से मार्केट में काफ़ी अपसाइड अभी भी मौजूद है। ओके, तो काफ़ी अपसाइड मौजूद है, लेकिन ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ से आप कॉशियस हैं, आपको लगता है बहुत तेजी हो चुकी है, वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो चुके हैं, आप थोड़ा रुक जाना चाहिए या फिर मुनाफा भी वसूल कर लेना चाहिए? क्योंकि कुछ सेक्टर्स में हम देख रहे हैं अच्छी दौड़ लगाने के बाद थोड़ा प्रेशर आ रहा है। देखिए उन्हीं स्टॉक्स में, उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना बेटर होगा जहाँ पे अर्निंग्स सपोर्ट है, जहाँ पे अर्निंग्स में रिवाइवल है। हम लोग जैसे कि कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि मेटल, रियल एस्टेट, इन दोनों सेक्टर्स में हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आउटलुक में नहीं देख रहे हैं, तो इन सेक्टर्स से हम लोग दूर रहेंगे। तो फिलहाल इनसे दूर रहेंगे। अब जो अगला ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए 9 तारीख की पॉलिसी, क्या उम्मीद कर रहे हैं वरुण जी आप, इस पॉलिसी में क्या कुछ हो सकता है? देखिए ये पॉलिसी में तो ऐसा लग रहा है कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा और आई थिंक अभी अगले 3 महीने में CPI इन्फ्लेशन में थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। फूड इन्फ्लेशन शायद पीक आउट हो गया है, मॉनसून भी अच्छा है, तो आगे जाके फूड प्राइस इन्फ्लेशन कम होता है, कम होने की काफ़ी संभावना है। तो हमें लग रहा है कि अगली पॉलिसी में ये अगर आप अगस्त की पॉलिसी छोड़ दें तो उसकी अगली पॉलिसी में शायद रेट कट देखने को मिले। ऑलराइट, चलिए तो ये राय RBI की पॉलिसी पर, लेकिन आप बताइए ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है? आज देर रात US के जॉब रिपोर्ट्स का आंकड़ा भी आने वाला है, एक्सपेक्टेशंस तो ये की जा रही हैं कि US में रेट हाइक होगी तो साल के अंत में होगी, ये बताइए ये भी उम्मीद करना क्या सही होगा कि इस साल एक भी रेट हाइक ना हो? देखिए अभी US में अगर आप देखें GDP ग्रोथ जो था
पिछले क्वार्टर का अराउंड 1.2% था, जिससे कि आई थिंक सब डिसअपॉइंटेड थे। ग्रोथ थोड़ा सा क्या कहते हैं सबड्यू हुआ है यूएस में भी पिछले दो क्वार्टर में, तो ऐसे टाइम में मुझे नहीं लगता कि वहाँ का फेडरल रिजर्व कुछ ऐसा करना चाहेगा जिससे ग्रोथ हिट हो। और ये स्पेशली इलेक्शन ईयर है, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो वो चीज़ भी एक फैक्टर बन जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट इलेक्शंस तक यूएस में कोई रेट हाइक देखने को मिलेगा। यूएस में फिलहाल रेट हाइक नहीं होगा, तो ये भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है और उसका फ़ायदा मिलेगा। इसी लिहाज से फ्लोस काफ़ी मजबूत आते हुए दिख रहे हैं हमारे बाज़ारों में। आप देखिए ETF में जिस तरह के पैसे आते दिख रहे हैं, डोमेस्टिक फंड्स भी अच्छी खासी लिक्विडिटी में बैठे हैं और जनरली डोमेस्टिक फंड्स की पसंद होती है मिड कैप शेयर। तो वरुण जी ये बताइए कि जिस तरह की तेज़ी मिड कैप शेयरों में हो गई है, जो भागे हैं, क्या अब भी आपको ठीक दिखते हैं, आकर्षक हैं, खरीदे जा सकते हैं इन लेवल्स पे, या फिर थोड़े महंगे हो गए, करेक्शन का इंतज़ार किया जाए? देखिए इसको एक पूरा एक बकेट की तरह नहीं देख सकते, आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स, स्पेसिफिक सेक्टर्स जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है, जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखें तो इंडिया में सिर्फ 7-8% है, लेकिन अगर आप कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज को देखें तो उनका 30% ग्रोथ आ रहा है, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखें तो उनका 20-25% का ग्रोथ आ रहा है, इसी तरह अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी को देखें तो वहाँ पे 20-25% अर्निंग ग्रोथ है। तो सेलेक्टेड होना पड़ेगा, वही थीम्स, वही सेक्टर्स जिसमें अर्निंग सपोर्ट है, उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। ओके, इसमें हेमंत एक स्टॉक बड़े एक्शन में आया है अभी, मेरी नज़र पड़ी है, ये स्टॉक हम लेकर आते हैं, एवरेडी। जरा एवरेडी का स्टॉक आप दिखाइए, BSE पर क्या एक्शन होता दिख रहा है, यहाँ पर 1.25% हिस्सेदारी बदली है एवरेडी की। एवरेडी के लिए 1.25% हिस्सेदारी बदलना परसेंटेज के लिहाज से स्टॉक के लिए बड़ी क्वांटिटी है। 9 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है एवरेडी में, 1.25% की हिस्सेदारी बदली, तो बड़ा ब्लॉक होता हुआ नजर आया, बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है। देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि किसने ये खरीदारी की है, क्योंकि 1.25% की हिस्सेदारी खरीदना या बेचना फंड्स का काम ही हो सकता है, और वो आदमी करते हैं जो सोच समझ करके, नाम ब्लॉक डील में आपका छपेगा। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। क्या प्राइस पर हुई है देख लेते हैं, प्राइस 240, ओके, नीचे की प्राइस पर हुई है, यानी कि ब्लॉक डील के लिए स्टॉक नीचे आया था, अब फिर से ऊपर की रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, आज अभी अभी वॉल्यूम के लिहाज से होता हुआ दिखा, तो मेरे रेडार पर आया, मैंने कहा बता दूं। बिल्कुल, तो 240 रुपये के भाव पर 9 लाख शेयरों ने हाथ बदले, 1.25% हिस्सेदारी बदली है, देखना होगा किसका नाम निकल कर आता है एवरेडी के ब्लॉक में। लेकिन सर राय आपसे लेना चाहता हूँ बैंकिंग स्टॉक्स पर, मूड बनाने का काम कर रहे हैं ये बैंकिंग शेयर, आज देखिए 1.25% ऊपर बैंक निफ्टी है, PSU शेयर भी दौड़ रहे हैं, प्राइवेट वाले भी, आपको कौन से स्टॉक्स पसंद हैं जो अब आप खरीदना चाहेंगे और क्यों पसंद हैं ये भी बताइए। देखिए बाजार में क्लियरली बायस रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग कंपनीज की तरफ, जहाँ पे असेट क्वालिटी काफ़ी बेटर है और ग्रोथ भी बेटर है। हमारा ऐसा मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी एक साल लगेगा सब प्रोविजनिंग और सब NPA सिस्टम से आउट होने में, तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा रुकना चाहिए। जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो कि रिटेल लेंडिंग की तरफ फोकस्ड हैं, कंज्यूमर फोकस्ड हैं, उन बैंक्स में मुझे लगता है अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा और उन बैंक्स में असेट क्वालिटी भी बेटर रहेगा, बजाय उनके कि जो बैंक्स होलसेल लेंडिंग या कॉर्पोरेट लेंडिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है, उनमें काफ़ी सारे NPAs हमें देखने को मिले हैं पिछले 6 महीने में, और आगे जाके भी शायद थोड़े से NPAs और देखने को मिल सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कि रिटेल लेंडिंग की तरफ, कंज्यूमर लेंडिंग की तरफ फोकस्ड हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा, तो वहाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक चीज़ बताइए सर, क्रूड फिर से जो गिरने लगा है, 20% अपने हाई से नीचे आ गया, लोग कह रहे हैं फिर से ये मंदी के बाजार में जा रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि अब नतीजे भी आने वाले हैं, पिछली तिमाही में हमने शानदार नतीजे देखे थे, क्या लगता है आपको ये स्टॉक अभी भी निवेश के लायक हैं? नाम आप दोबारा बताएंगे? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर, क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते इसलिए मैं सेक्टर पर राय ले रहा हूँ, HP, BP, IOC वाले ये जो तीनों स्टॉक हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के, यहाँ पर क्या राय है आपकी? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डेफिनेटली काफ़ी अच्छा आउटलुक है
हमारा ऐसा मानना है कि आपको जैसे जैसे फ्यूल प्राइस में गिरावट हुई है तो कंजम्पशन बढ़ा है, तो 15% करीब टॉप लाइन ग्रोथ डेफिनेटली पॉसिबल है इन कंपनीज में। प्लस अगर आप देखें तो डिविडेंड यील्ड 4 से 5% के बीच है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 18 से 20% के बीच है, और हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर आप इनकी वैल्यूएशन देखें तो अभी भी लेस देन 10 टाइम्स अर्निंग्स पे ये कंपनीज ट्रेड कर रही हैं। तो आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए, खासकर क्योंकि गवर्नमेंट का क्लियर एक एटीट्यूड है कि वो डीजल प्राइस हो या पेट्रोल प्राइस हो और इंक्रीमेंटली इवन एलपीजी प्राइस को डीरेगुलेट करने की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। तो इस सेक्टर के लिए प्रॉस्पेक्ट्स अगले 2-3 साल काफ़ी अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए सर जिनको शेयर खरीदने हैं जीएसटी के थीम के लिहाज से, तो आपको किस तरह के सेक्टर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं लॉजिस्टिक्स में तो पहले ही तेज़ी हो चुकी थी, अब थोड़ी मुनाफा वसूली वहाँ पर देखने को मिल रही है। जीएसटी के लिहाज से कौन से स्टॉक्स अब आप बिल संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद खरीद रहे हैं, ये बताइए। देखिए जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो अगले 2-3 साल में आएगा, इस साल अर्निंग्स पे वैसे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन जैसे कि आपने कहा एक बार जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो 2018 से आप इसका बेनिफिट देखेंगे। ऑटो कंपनीज, टू व्हीलर कंपनीज, फोर व्हीलर कंपनीज, खासकर जो छोटी गाड़ियां बनाती हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब पे टैक्सेशन में कमी आ सकता है। ऑब्वियसली हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि इफेक्टिवली टैक्स रेट क्या डिसाइड होता है, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि जो इफेक्टिव टैक्स होगा वो शायद थोड़ा कम हो जाए, तो ये सब कंपनीज को बेनिफिट होना चाहिए। ओके, तमाम कंपनियों को मिलेगा फ़ायदा जीएसटी। सर शुक्रिया वरुण जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम शेयरों पर अपनी तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं HDFC